नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की बात कार्यक्रम में बात करेंगे 15 जुलाई 2018 को करंट अफेयर्स को लेकर। तो सभी दोस्तों से अनुरोध है सब्सक्राइब के आइकॉन और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे आप हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जिन दोस्तों को टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है, हाल ही में सेरेना विलियम्स को हरा कर किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2018 का ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों ये कार्य किया एंजेलिक कर्बर ने, सीधे सेटों में सेरेना विलियम्स को हराया, जो कि 24 बार की वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी विंबलडन कुल मिलाकर 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। दोस्तों कुल मिलाकर 4 ग्रैंड स्लैम पूरे साल में होते हैं, जिसमें पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन और देन ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। दूसरा सवाल है दोस्तों, हाल ही में भारत के कौन से खिलाड़ी ने 10,000 रन पूरे करने वाले देश के चौथे विश्व के 12वें बल्लेबाज बन गए? तो ये बन गए दोस्तों भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 36 रन की पारी के दौरान दूसरे वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की, लेकिन एक ख़राब बात इसमें यह रही कि भारत ये मैच हार गया। हाल ही में किसके द्वारा बांग्लादेश में दुनिया का सबसे बड़ा वीज़ा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश में जाकर दुनिया के सबसे बड़े वीज़ा केंद्र का उद्घाटन किया है। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। हाल ही में किस राज्य के मंदिरों ने FSSAI प्रमाणित प्रसाद रसीद की बिक्री को अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों ये कार्य किया है तमिलनाडु ने, तमिलनाडु के मंदिरों में FSSAI प्रमाणित प्रसाद की बिक्री को अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों आज बहुत बड़ा दिन है, आज है 15 जुलाई, और 15 जुलाई में फीफा विश्व कप 2018 का जो फाइनल है फ्रांस और अन्य किस टीम के बीच खेला जाएगा? तो दोस्तों यूरोप की दो टीमें पहुंची हैं, एक क्रोएशिया और दूसरी फाइनल, और इन दोनों के बीच रशिया में ये वर्ल्ड कप फाइनल 2018 का फाइनल खेला जाएगा। दुनिया सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ये मैच होगा, तो आप भी मिस मत कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। हाल ही में किसके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 SSG 2018 आरंभ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, आपको केवल नाम याद रखना है, क्योंकि बहुत सारी स्वच्छता की स्कीम चल रही है, आपको बस SSG 2018 किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया है उतना ही आपको याद करना है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस देश के बैंक पर्सगट को भारत में शाखा खोलने की मंजूरी दी है? देखिए अभी बैंक ऑफ चाइना को भारत वित्त मंत्रालय RBI के द्वारा लाइसेंस दिया गया था, वही अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ईरान की जो बैंक है पर्सगट, उसको भारत में शाखा खोलने की मंजूरी दी गई है। तो एक उपलब्धि है, क्योंकि भारत का चार बाहर एयरपोर्ट भी ईरान के सहयोग से ही तैयार हो रहा है। हाल ही में एयरबस ने 3 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका संबंध है, तो दोस्तों ये जो संबंध है 3 स्टार्टअप कंपनियों का, वो है फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी और इंडियन कंपनी है नीवी फ्लाइट एयरपिक्स, ये 3 स्टार्टअप कंपनी है जिनसे कि फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी ने समझौता किया है। हाल ही में खबरों में रहा मेरकैट का संबंध के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन है मेरकट, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 10वां सवाल है दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसिव पूर्वांचल वे एक्सप्रेस वे की आधारशिला की, इसकी लंबाई कितनी है? दोस्तों इसकी लंबाई है 354 किलोमीटर, ठीक है, ये गोरखपुर तक जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, तो US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सबसे ताकतवर 25 देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा ज़रूर। इसके अलावा PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है सब्सक्राइब के आइकॉन और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आप हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।